तो देखो आ चुकी है ये भी पूरी पतंग, पास आ जाओ कैमरामैन। फ्रीज। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं इनके जो देखा टाइटल थंबनेल में, मैं करने जा रहा हूँ पतंग लड़ रही हमारे पीछे, उन्हें करूंगा कैच, यानी कि एक पतंग से दूसरी पतंग में कैच। कैच करने के लिए सबसे पहले क्या करने है, सद्दी से आपको पतंग के कन्ने बांधने होंगे, सद्दी के साथ आपको मंजा भी लगाना होगा। देखो जैसे कि इसमें मंजा दिख रहा है, मंजा आप क्या कहते हैं इंडियन वाला मत लगाना, या तो पांडा लगाना, या इंडियन वाला लगाओ तो डबल कर लेना। तो जैसे कि मैंने कर रखा है, कन्ने बांधने के लिए डबल टिबल करके सद्दी से बांध लेना, और ऐसी ऐसी गांठ लगा लेना, देखो इस तरह से नोट्स लगा लेना, मतलब कि जो थ्रेड होती है आपकी कॉटन थ्रेड, मंजे से मत बांधना, और इस तरह की थ्रेड से बांध लेना। और इसमें क्या होगा ना, जब आप पतंग को घुमाओगे, जो पतंग पीछे से आएगी उसके नीचे नीचे, तो उसकी जो थ्रेड होगा आपकी इस नोट्स में फंस जाएगा। तो अभी मैं आपको एकदम लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आती है पतंग, कैसे नहीं। तो पीछे पतंग लड़ रही है, पहले मैं इस पतंग को उड़ा लेता हूँ, सद्दी से उड़ाना, मंजे मंजे से मत उड़ाना, नहीं तो आपकी चली जाएगी। यानी कि सद्दी का मतलब जो आपकी प्लेन थ्रेड होती है ना, जिस पर ग्लास पाउडर नहीं होता, उससे मत उड़ाना, आप नॉर्मली वाले से उड़ा लेना, जो खाली कॉटन थ्रेड होती है। चलो पहले इसको उड़ाते हैं और फिर पतंग लपेटते हैं, चलते हैं इनको लपेटते हैं। चलो ओले पतंग के, पतंग ही गई फट। तो गाइस पतंग को उड़ाते हैं चिपकाने के बाद, और फिर लपेटेंगे पतंगे, देखना ये जा रही पतंग उड़कर, अभी आएगी पीछे से, जब दिखाऊंगा कौन सी आ रही है तो उसे लपेटेंगे। तेरी देखो पतंग अपनी, तो देखो मुझे दिखा, तो लंबी कर ली है, तो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी डोर हमारे सर्दी में लग गई तो कट जाएगी। अब चलो डायरेक्ट लपेट के दिखाते हैं। तो ये देखो एक पतंग आ रही है, ये पीछे से कटती हुई, इसको लपेटते हैं। चलो तो गाइस ये देखो ये आ रही है एक पतंग, इसको देखो कन्ने में इलझा ली है, और ये देखो शायद ही लग चुकी है हमारे कन्ने में, और ये देखो, तो ये देखो आ गई क्या, आ गई क्या, आ गई, आ गई डोर। तो ये देखो ये आ चुकी है हमारी पतंग में, अभी दिखाते कैसी है। बोरी देखो अब पकड़ लेते हैं इसको, डोर पकड़ो, डोर पकड़ो, डोर पकड़ो। तो ये पतंग देखो आई है कुछ कट के, जूम से हटा ले, जूम से हटा ले। तो ये देखो ये कुछ आ गई पतंग, देखते कैसी पतंग है, कैसी नहीं है, फट भी चुकी है ये देखो आगे से। तो ये पतंग है देखो, छोटे बच्चे ने उड़ाई होगी, MT सुपर काइट रामपुर, यहाँ से देखो ये फट भी चुकी है, और कुछ सद्दी से करने बांध रखे हैं, और इसमें कैसा मंजा है, ग्रीन कलर का मंजा है इसमें देखो। तो ये पतंग देखकर लूटी कैसे, तो दूसरी दोबारा पतंग उड़ाते हैं, इस बार हमारी पतंग फट भी गई, सूखे मंजे से दिखाऊं तो आपको, तो ये देखो ये फट भी गई है, तो दोबारा उड़ाते हैं और की लपेटते तो दिखाते हैं। तो भाई दोबारा पतंग उड़ाने जा रहा हूं, और वो पतंग देखो लूटी हुई बोरी अपने पास, अभी उड़ाते हैं और दूसरी को लपेटते हैं, तो देखना आप। तो ये देखो उड़ा लिया, और पीछे से आके कट के पीछे पेच भी लड़ रहे हैं, मैं जैसे कि आपको भी दिखाता हूँ, और पतंग लपेट के दिखाऊंगा। तो देखो पतंग करते हैं लंबी, और अब लपेट के चलो। तो ये देखो एक ये लड़ रही है, ये जा रही, ओ गई कट गई, तो इसको लपेटते चलो जल्दी। तो ये देखो पूरी सर के ऊपर आ चुकी है, अभी लपेटते चलो इसे। तो गाइस देखो ये आ चुकी है पतंग, इसको लपेटने की तैयारी है देखो। तो ये देखो चुप छूट गई ना तेरे पास से, अभी हम लपेटेंगे, देख हम करेंगे तेरा काम पूरा। तो ये देखो आ चुकी है ये भी पूरी पतंग, पास आ जाओ कैमरामैन, पास आ जाओ। तो ये देखो ये भी पतंग आ चुकी है पूरी, कैमरामैन प्लीज गिव मी, ये देखो आ चुकी है पूरी पतंग, जूम से हटा लो कैमरामैन, हां हटा ली। और ये पतंग दिखाते, और ये दोबारा हमारी पतंग गई फट, और अपनी पकड़ ली, और ये पतंग कुछ ऐसी है। तो ये पतंग आई है ब्लू कलर की है देखो, इसमें कन्ने बंधे हैं, क्या कहते हैं सर्दी से ही बंध रहे हैं, लेकिन इसमें मंजा है इंडियन वाला, बढ़िया मंजा है देखो, और पतंग भी मस्त है। हमारे पास एक पतंग, दो पतंग दिखाओ, और एक देखो ये अपनी दोबारा फट चुकी है अपनी, ये ना बेकार पतंग थी, इसी से सोचा मैंने कि काइट कैचिंग करके दिखाऊं आपको। तो ये पतंग तो नेक्स्ट पकड़ते हैं, दिखाते हैं आपको, दिखा गाइस हमारी पतंग गई है फट, मंजा लग लग के, इससे दोबारा लपेटेंगे पतंग को, तो देखना आप लोग। तो चिपक गई है, शायद सक्सेसफुल रहेगी चिपकती हुई, उड़ाने की कोशिश करते और लपेटते चलो दोबारा। कर दूं बंद कर दे, देखो ये, तो ये देखो एक पतंग ये आई, इसको देखो ये जा रही,
तो इसको चलो लपेटते हैं। जा रही है एक पतंग, इसकी आ चुकी है देखो पास में। अबे ये कहाँ जा रही है, ओ आ गई आ गई आ गई, लपेट लिए ये भी देखो। अबे वो जल्दी भक्के जाओ, मन जाओ होगा उसका। आ गई, चल आ गई आ गई आ गई। ओ भगवान, उस दिन की तरह गिर जाएगा, गिर जाएगा उस दिन की तरह। एक दिन गिर गया था ये वीडियो में। ये पतंग देखो कैसी है, सद्दी देखो कितनी लंबी बांध रखी है। एक रुपए वाली पतंग, एक वाली पतंग जैसे कहते हैं ना वो पतंग है। चलो पतंग लपेट लिए और ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास हो चुकी है एक पतंग, दो पतंग, तीन चार पतंग इकट्ठी हो गई एक पतंग से ही। तो दोबारा उड़ाते हैं और लपेटते हैं। तो देखो कर ली। तो गाइस क्या कहते हैं, ये पतंग हमने जो गोला पतंग लूटी थी ना वो बच्चों को दे रहे, क्योंकि लॉकडाउन में ना पतंग की दुकान जितनी भी सारी बंद है, तो बच्चों को हेल्प कर रहे हैं हम पतंग देते हुए की। तो अब देखना उन बच्चों को देंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको देंगे पतंग। तो देखना आप आ जा, जूम कर ले, कर ले। हाँ हाँ पानी गिर रहा है, आ जा, रोक दे, रोक अभी रोक कर, ऊपर करना है फोन। सो गाइस अब उनको पतंग देते हुए देखो, जूम कर लो फुल। तो ये देखो उनके पास पतंग देते हुए, उन बच्चों की भी हेल्प करते हुए। गई क्या? नहीं नहीं अंदर रहेगा। रोक देना पतंग इस बार देते हुए सक्सेसफुली। चलो ले ले, तो दे दी बच्चों को, रोक दे, हटा दे फोन। तो गाइस क्या कहते हैं, वीडियो में आपने देखा पतंग लपेटी थी, तो हमारे पास ये पतंग लपेटी है मैंने, और ये वाली भी लपेटी थी। और क्या कहते हैं, अभी पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है, हुई हुई। तो क्या करते हैं ना, क्या कहते हैं, अभी पतंग लपेटी थी तो दो पतंग मैंने और लपेटी थी, वो देखा था एक बच्चे को दे दी थी। अब इससे तो लपेटी थी, तो एक बच्चे को दे दी थी, तो एक और भी मैंने बच्चे को दे दी थी। क्योंकि यार कहना है काइट, मतलब कि जो लॉकडाउन में ना दिल्ली में तो लॉकडाउन लग गया, पहले तो क्या कहते हैं 6 दिन का लगा था, फिर एक्स्ट्रा 6 दिन का और लगा दिया, क्या गिफ्ट में एक के साथ एक फ्री और लो, तो 6 दिन का और लगा दिया। तो इस वजह से मैंने बच्चों को दे दी, क्योंकि काइट की दुकान बंद है, तो इस वजह से बच्चे देख रहे थे पतंग उड़ाते, होममेड काइट बना रहे थे, उनकी उड़ नहीं रही थी, तो ऐसी वाली उड़ जाती, तो मैंने पतंग लपेटी। आपको कैसी लगी वीडियो बताना मेरे को, आप भी ट्राई करना यार एक बार प्लीज़। अगर आप क्या लड़ते हैं ना तो ट्राई करना, अभी नहीं यहाँ के बैठ जाइए जब, है ना, तो ट्राई करना एक बार। पानी वाला इसे फेंक दे, मजे मत लो, पानी वानी वाला मत करो। ये क्या है, ये पानी गिरवा। अबे सर पे चढ़ जाओ ना, सर पे चढ़ जाओ, उधर रह, अबे रहन दे अभी, रहन। तो क्या कहते हैं, वीडियो कैसे लगे मेरे कमेंट में बताना, और आप भी ट्राई जरूर करना, करो ना, क्या कहते हैं, मंजा भी बांधना साथ साथ करने में, अगर बांधोगे तो सद्दी मंजा मिक्स करके बांधना, और डबल डबल वो नोट्स लगा लेना, क्या कहते हैं, बड़े बड़े, ताकि आपका जो थ्रेड होगा पतंग कटने का, तो आपके क्या कहते हैं नोट्स में आसानी से फंस जाएगा। जैसे कि 3 पतंग मैंने एक भी मिस नहीं करी, वैसे 2-3 पतंग मेरे मिस हो गई थी, जिसकी मैंने वीडियो क्या कहते हैं बनाई नहीं, इस वजह से जो मेरे पास आई उसकी मैंने वीडियो बनाई। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, तो वैसे मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। काला वाला केरा वाला पानी गिरवा। तो ऐसी ऐसी ये बच्चे पता है जो कहते हो ना कि आपकी वीडियो में बच्चे गाली देते हैं, तो ये ना यहीं रहते हैं, मतलब कि छतों पे, तो मैं इनकी छत पर आता हूँ वीडियो बनाता हूँ, इस वजह से क्या कहते हैं मस्ती वस्ती करते हैं सारे। मिनी बॉयज है, मिनी बॉयज एक है जो इनमें क्या कहते हैं सबसे शरीफ है, इतनी अच्छी अच्छी गाली देता है ना, आपने देखा होगा वीडियो में 1 लाख की पार्टी वाली वीडियो में। मैं नहीं गाली देता है, मैं ज्यादा गाली, तू तो रहने दे, तू तो सबसे ज्यादा देता कैमरा मैन भैया। तो लोग कहते हैं कैमरामैन बदलो, तो इस वजह से मैंने कैमरामैन बदला। आपने देखा होगा हाउ टू कैच कदर काइट वाली वीडियो में, तो कैसे लगी मेरे को बता देना। ओए कैमरामैन को बाय बाय, मेरा मुंह दिखा दे। सो गाइस आपने देख ली वीडियो, तो वीडियो कैसे लगी मेरे कमेंट में बता देना, इनके बाद में बना रहा, क्योंकि ये ना बोलने नहीं देते इस वजह से। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो भटकती आत्मा देखी आपने, मंजा पतंग लेने जा रहा है ये, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय बाय।